बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक। आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, थैंक यू सो मच। इट मीन्स आप लोग सुनते हो और आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि जो चीज़ मैं कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। Today our video is about symbolism in 12 of two cities, very important novel in both universities Sargodha and PU, and mostly in Pakistani universities it is taught by teachers. So first of all, in this video I will try to define the symbolism, and then symbolism in Tale of Two Cities. So what is symbolism? Symbolism is an artistic and poetic movement, art style using symbolic images in direct suggestion to express mystical ideas, emotions and state of mind. Okay, symbolism hota kya hai, jo ki represent karta hai, jo hum waise direct kisi ko kehna nahi chahte aur hum usko indirect way mein hum usko symbolize karte hain hamara, ya fir ye hai ki aap uska ज़ाहिर है, अगर आप वो फ्रेंच टेल ऑफ टू सिटीज़ में अगर वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स का भी जिक्र करते तो क्या हो जाता, नावल इतना बड़ा हो जाता। तो क्या है, उसको उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स के ज़रिए जो है उसको रिप्रेजेंट किया। लाइक अगर आप अपने पाकिस्तानी फ्लैग की ले लें एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या है, पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द ग्रीन पार्ट जो है हमारे फ्लैग का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मुस्लिम्स को, एंड द वाइट पार्ट ऑफ द आवर फ्लैग इज़ रिप्रेजेंटिंग नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी। सो यहाँ पर क्या है, वो भी क्या है, वो सिम्बलाइज कर रहा है, इट सिम्बलाइजेशन। सो सिम्बलाइजेशन लाइक डव जो है वो पीस को सिम्बलाइज करती है। सो सिमिलर देर आर डिफरेंट थिंग्स विच आर सिम्बलाइजिंग इन आवर कल्चर इन आवर कंट्री। सो नाउ सिम्बोलिज्म इन टेल ऑफ टू सिटीज। सिम्बोलिज्म टेल ऑफ टू सिटीज़ में कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले जो सिम्बोलिज्म है वो है द जर्नी ऑफ द मेल कोच। जर्नी ऑफ द मेल कोच ये था कि ये जो हमारा जो नावल की ओपनिंग है, वहाँ पे क्या होता है कि जब हम ओपन करते हैं नावल, तो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि एक मेल कोच है जो कि लूसी, जिसमें लूसी सफ़र कर रही है लंदन से फ्रांस, फ्रेंच जा रही है। सो वहाँ पे वो जो जर्नी है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, जर्नी जो है वो सिम्बोलाइज कर रहा है इसको एटमॉस्फेयर, एक तो जो उसका है वो उसको रिप्रेजेंट करती है, फिर जो हार्ड टाइम ऑफ द हॉर्सेस है उसको रिप्रेजेंट करती है, इट्स अगेन रिप्रेजेंटिंग अप हिल जर्नी, बिकॉज जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि हॉर्सेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो जो है वो अप हिल जर्नी है, और फिर जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है उसमें वो जो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कैसी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मड है, तो वो उस मड में जो है वो हॉर्सेस बहुत डिफ़िकल्ट टाइम जो है उसको फेस कर रहे हैं, और उस जो अपना जर्नी है उसको कंटिन्यू उन्होंने किया हुआ है। तो ये अगेन जो है ये स्टम्बलिंग, जो उनकी स्टम्बलिंग है ऐसा लगता है जैसे हॉर्सेस जो हैं वो टुकड़े हो जाएंगे, जिस तरह जब वो पाँव निकालते हैं मड से, क्योंकि मड क्या है, गीली है। अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस खुद किया हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लाइक अगर हमारा, क्योंकि हमारा तो अपना कंट्री विलेज एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारे पास तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, तो आप अगर इसको एक्सपीरियंस करें तो बहुत है, इट्स डिफ़िकल्ट। सो नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास जो है वो है मिल। मिल का अगर आप लिटरली मीनिंग देखो तो मिल जो होती है वो होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग व्हीट इनटू फ्लोर, कि हम लोग गंदम को डाल देते हैं और उससे आटा निकाल लेते हैं, तो इट इज़ ये मिल है। लेकिन लिटरेचर जो है वो हमेशा जो है उसका वो जो है वो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, लिटरेरी मीनिंग तो हम लोग लिटरेचर में मोस्टली भूल ही जाते हैं। तो मिल क्या है, यहाँ पे जो है हम लिटरेरी मीनिंग को करना देखें तो यहाँ पे जो नावल में मिल है वो क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग आर इट परफॉर्मिंग समथिंग डिफरेंट फंक्शंस है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब उसमें को रीड आउट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि द पीपल ऑफ सेंट एंटोनी, एंटोनी सेंट एंटोनी इज अ टाउन ऑफ फ्रांस, हैड अंडरगॉन ग्राइंडिंग एंड री ग्राइंडिंग इन द मिल, जस्ट ग्राइंडिंग एंड री ग्राइंडिंग बहुत डिफ़िकल्ट। आई मीन लाइक एक सिर्फ से ग्राइंडिंग है, फिर री ग्राइंडिंग, तो ये क्या है, एक उसने क्या है उस चीज़ को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे किया है। तो द मिल वाज द काइंड विच ग्राइंड यंग पीपल इनटू ओल्ड, ये जो है ये इसका मेन फंक्शन था कि ये यंग पीपल्स को जो है ओल्ड करती है, और डेकन्स हमें बताता है कि द फेसिस ऑफ द चिल्ड्रन द
The children in this area had ancient faces and grave voices. Why ancient faces? Ancient faces, that's why, because वो क्या है, ड्यू टू स्टारवेशन, तो यहाँ पे स्टारवेशन की वजह से जो है उनका कलर जो है वो जो फेस है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी है और उनकी वॉइसेस जो है वो ग्रेव है. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है वाइन कास्क. वाइन कास्क, वाइन कास्क क्या है? वाइन कास्क जो बेसिकली एक तो वो ड्रम सा बना हुआ था जो कि गिर जाता है इनका वाइन का, तो वो उसको बस बोल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे वाइन कास्क किसको सिंबलाइज कर रहा है? वाइन कास्क इज सिंबलाइजिंग इन ईगरनेस ऑफ द पीपल टू ड्रिंक द स्पिल्ड आउट वाइन फ्रॉम द फ्लिथी पर्जियन स्ट्रीट एंड इट सिंबलाइजेज द एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर. लोगों को जो है वो खाने पीने को बिल्कुल कुछ नहीं मिलता था, दैट्स वाई यही जो है वो वाइन कास्क को जो है उसको सिम्बलाइज कर रहा होता है. और सेकेंड वन इज दैट इट इज ऑल्सो सिम्बलाइज दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है एक्सपीरियंस उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि लोगों ने सफ़र किया था आपको पता है रेवोल्यूशन का. तो वो जो है वो उन जो ये कम्बाइन कास्ट के साथ ये लोग एक वर्ड लिखते हैं ब्लड, तो ये वाइन कास्ट क्योंकि रेड है तो इट मीन्स ये शेल्टरिंग ऑफ ब्लड को भी ये सिम्बलाइज करती है. वाइन वाइन जो है वहाँ पे वो उसको भी सिम्बलाइज करती है. नेक्स्ट वन इज़ निटिंग. निटिंग क्या है? निटिंग बेसिकली तो हम यही होता है कोई स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, बट यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग रीडिंग करते हैं या मूवी देखते हैं तो वहाँ पे ये था कि मैडम डेफरेज इज निटिंग, बट वो निटिंग कर क्या रही है? बज़ाहिर तो वो एक स्वेटर बुन रही होती है, बट इन दैट निटिंग शी इज़ राइटिंग द नेम ऑफ द अपर क्लास वेल्दी क्लास जो उनके होते हैं ना उनके नेम लिख रही होती है. लाइक उसने जिस तरह एवरमोंडे मार्क्स एवरमोंडे का लिखा था, तो उसी निटिंग के दौरान हमें वो नहीं समझ आती क्योंकि वो उसका जो अपना आर्ट है उसके ज़रिए वो उसको करती है. ये तो हमें लेटर ऑन पता चलता है कि वो उस निटिंग में जो है वो उनके नेम लिख रही होती है बैठी हुई. शू मेकिंग, शू मेकिंग क्या है? शू मेकिंग क्या है? शू मेकिंग इज़ शू मेकिंग जो है वो डॉक्टर मैनेट कर रहा होता है अपनी इम्प्रिजनमेंट में. और वो सिंपल हम लोग अगर इसको देखते हैं कि वो जो है वो इस तरह लाइक सिंपल वे में एंट्रेंस तो होती है शू मेकिंग की, लेकिन ये कि आगे जाके ये कम्प्लेक्स बिकॉज ये जो है उसका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो उसने कैसे समेंट किया. ही फेसेस हार्ड टाइम इन द प्रेजेंटमेंट और सर्वाइव सो मेनी ईयर्स ऑफ फॉल्स इम्प्रेजेंटमेंट, स्पेशली फॉल्स इम्प्रेजेंटमेंट जो है उसके लिए है कि और वो जो है उसने इसके जरिए ही लर्न किया था ट्रेड को जो है. तो दैट्स वाई ये यहाँ पे जो है शू मेकिंग की ये कि सिम्बलाइज कर रहा है. एंड द लॉ गलेटन, लॉ गलेटन is basically it is all imprisonment like हमारे पास जैसे है अडयाला बहुत मशहूर पूरे मुल्क में, तो ये ला गलेटन काफ़ी फेमस है बिकॉज आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पेजेंट जो क्लास थी उन्होंने जो है वो इसके अंदर जो है बहुत से जो अपर क्लास थे जो रॉयल फैमिलीज के लोग थे उनको जो है वो डाल दिया था. लॉर्ड इट बिकम्स द सिंबल ऑफ एक्सेस बीइंग कमिटेड बाय रेवोल्यूशनरी मॉब. एक्सेस एक मतलब एक तो होता है ना कि ठीक है उसको उनकी पनिशमेंट दी गई, एक जो उसकी एक्सेस होती है मीन उससे भी ज़्यादा जाके जो उन्होंने किया था उसको इट रिप्रेजेंट. सिमिलरली जो उसके साथ दूसरी होती है बेस्ट्रायल, इट वाज द सिंबल ऑफ टायरनी, टायरनी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ किंग लॉयस. मतलब जिस तरह उसने शो उसमें डॉक्टर मैनेट को डाला हुआ था. लॉ गलेटन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपकी पीजेंट्री क्लास को, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को, एक्सेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी मॉब को रिप्रेजेंट करती है. ट्रायल इट रिप्रेजेंट द टायरनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, उनको जुल्म सतम को जिस तरह उन्होंने डॉक्टर मेनेट का जो है वो जेल में जो है डाला था. रिपीट हुआ है लाइक उन्होंने जैसा अवाम के साथ किया फिर उनके साथ जो है वो अवाम ने अवाम उससे भी ज़्यादा बढ़ गई. उन्होंने जो उनको जो है वो ज़्यादा उन्होंने जो है वो डाला था, इनको मारा भी था काफ़ी ज़्यादा. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel. If you didn't understand anything, do comment. I will answer there. Thank you so much. Allah Hafiz. See you soon with a new video. Bye bye.